मुकेश अंबानी ने कांग्रेस के लिए कह दी ऐसी बात, जानकर मोदी को लग सकता है बुरा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में सभी राजनीतिक पार्टियां केंद्र की सत्ता में आने के लिए एडी चोटी का जोर लगा चुकी हैं। तीन चरणों की वोटिंग के बाद बाकी बचे चार चरणों पर पॉलिटिकल पार्टियों की नजरें हैं। ऐसे राजनीतिक दलों की सभी बड़े नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जहां एक ओर पीएम मोदी रैलियों और इंटरव्यू के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रफेल, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर मौजूदा सरकार को जमकर घेर रहे हैं। इसी बीच मुकेश अंबानी का एक ऐसा बयान सामने आया है जो बीजेपी को परेशान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। दक्षिणी मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन देवड़ा का समर्थन करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए मिलन सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल तक दक्षिण मुंबई का प्रतिनिधित्व करने के बाद मेरा मानना है कि मिलन को दक्षिणी मुंबई निर्वाचन क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक माहौल के बारीकी ज्ञान है। मुंबई के सूक्ष्म उद्यम और बड़े व्यवसाय दोनों पनप सकते हैं, ताकि हमारे प्रतिभाशाली युवा महिलाओं और पुरुषों के लिए आकर्षण, नए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। आपको बता दें कि अंबानी ने साल 2014 में भी देवड़ा का समर्थन किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अंबानी और देवड़ा परिवार के बीच लंबे समय से संबंध है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।